नाउ टुडे वी टॉकिंग अबाउट ए लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अपनी नेक के एंटीरियर में लैरिंग्स होता है और पोस्टीरियर में फेरिंग्स, है ना। ये लैरिंग्स हो गया और ये पीछे की ओर फेरिंग्स हो गया। अब लैरिंग्स है ना, ये कंटिन्यू करेगा किस में? ये कंटिन्यू करेगा ट्रेकिया में, और फेरिंग्स है ना, ये कंटिन्यू करेगा इसोपेगस में। ओके, तो ये याद करना है कि एंटीरियर में लरिंग्स, पोस्टीरियर में फेरिंग्स। लरिंग्स कंटिन्यू करेगा ट्रेकिया में और फेरिंग्स कंटिन्यू करेगा इसोपेगस में। और इन दोनों में से है ना, लरिंग्स और फेरिंग्स, इन दोनों में से पक्का पक्का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लरिंग्स जिसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी कार्टिलेज, है ना। 9 कार्टिलेज होती है, 9 कार्टिलेज होती है लरिंग्स में, ये इंपॉर्टेंट है। उनमें भी कौन सी पेयर होती है और कौन सी अनपेयर होती है, ठीक है। तो बात करते हैं लरिंग्स की, साउंड बॉक्स बोलते हैं। लोकेशन देखना, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक, ठीक है, और रूट ऑफ टंग टू द ट्रेकिया, ये मैंने बता दिया। और कौन सी वर्टिब्रा लेवल पे? C3, C4, C5 और C6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, C3, C4, C5 और C6। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइज की, तो 3 ईयर में होती है 3 mm की ट्यूब होती है, 4 ईयर में 4 mm की ट्यूब, और 12th ईयर में 12 mm की ट्यूब, ठीक है, मैक्सिमम 12 mm ही होती है। फिर कैविटी ऑफ लरिंग्स लाइनिंग बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके, इसकी कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी कार्टिलेज की, जो होती है 9, अनपेयर होती है थायरॉइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस, और पेयर्ड होती है एरिटिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। एरिटिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अलग से 2 नंबर का भी आता है कि लरिंग्स की पेयर और अनपेयर कार्टिलेज, कार्टिलेज के नाम लिखिए, ठीक है। अब बात करती है फर्स्ट एपिग्लोटिस, तो इसमें बस इतना सा याद करना है कि यह लीप शेप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है थायरॉइड कार्टिलेज, यह वी शेप की होती है ना, तो वी शेप की होगी तो राइट और लेफ्ट 2 लेमिना होंगे इसमें, ठीक है। और एंटीरियर बॉर्डर है ना, वो मेल में तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और फीमेल में 120 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का बनाते हैं, इसीलिए मेल में एडम एप्पल बनता है ना, जिसको अपन बाहर से फील भी कर सकते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होता है और सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्नुआ बनाता है। अब जो सुपीरियर कॉर्नुआ बनाता है, ठीक है, अबे सुपीरियर हॉर्न बोल दो या कॉर्नुआ बोल दो, ये किसी अटैच होता है ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोड बोन बाय लेटरल थायरोहायोड लिगामेंट के द्वारा, और इन्फीरियर कॉर्नुआ है वो किसी अटैच होता है क्रिकोइड कार्टिलेज से, और फॉर्न क्या कौन सा जॉइंट बनाता है? क्रिको थायरॉइड जॉइंट। इन्फीरियर कॉर्नुआ होता है वो क्रिकोइड कार्टिलेज से एड होता है, कनेक्ट होता है ना, अटैच होता है और बनाता है क्रिको थायरॉइड जॉइंट, क्रिकोइड और थायरॉइड, ठीक है। तो क्रिको थायरॉइड जॉइंट हो गया, क्रिको थायरॉइड जॉइंट, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होता है और सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्नुआ बनाता है। जो सुपीरियर कॉर्नुआ है वो हायोड बोन से अटैच होगा, और लेटरल किसके द्वारा? लेटरल थायरोहायोड लिगामेंट के द्वारा। और जो इन्फीरियर कॉर्नुआ है वो क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होगा और क्रिको थायरॉइड जॉइंट बनाएगा, ठीक है, याद करना है। फिर आउटर सरफेस है ना, अब देखो जो इसकी थायरॉइड कार्टिलेज होती है ना, इसके आउटर सरफेस पर ओब्लिक लाइन होती है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है? सुपीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल टू इन्फीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। और जो ओब्लिक लाइन होती है, इस पर 6 मसल अटैच होती है, यह नाम याद करना है कि कौन कौन सी 6 मसल अटैच होती है। तो थायरोहायोड, स्टर्नोहायोड, थायरोफेरिंजियस, पेलेटोफेरिंजियस, सेल्पिंगोफेरिंजियस और स्टाइलोफेरिंजियस, ठीक है, ये 6 मसल आपको याद करनी है। तो देखो एपिग्लोटिस हो गया, जिसकी शेप लीप शेप की होती है, थायरॉइड कार्टिलेज हो गई जो वी शेप की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि क्रिकोइड कार्टिलेज, तो क्रिकोइड कार्टिलेज देखना रिंग शेप की होती है ना, और बिलो होती है थायरॉइड कार्टिलेज, और इसके एंटीरियर में नेरो और इसको आर्ट्स बोलती है एंटीरियर में, और पोस्टीरियर में ब्रॉड होती है और इसको बोलते हैं लेमिना। तो एंटीरियर में आर्ट्स बनाएगी, पोस्टीरियर में लेमिना बनाएगी, लेमिना ब्रॉड और आर्ट्स नेरो। अब इसके अटैचमेंट देखना, एंटीरियर ऑफ आर्ट्स है ना, इसको यहाँ पे अटैच होगी क्रिको थायरॉइड मसल, और एंटीरियर लेटरल होगी लेटरल क्रिको एरिटिनोइड मसल, और पोस्टीरियर टू लेमिना होगी पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनोइड मसल,
है ना। अब पोस्टीरियर क्रिको इरिटोनियन मसल को बोलते हैं सेफ्टी मसल, और यह वोकल कॉर्ड होता है ना उसको एब्डक्शन का काम करता है, मतलब उनको दूर लेके जाने का काम करता है। कौन सी मसल? क्रिको इरिटोनियन मसल, जिसको सेफ्टी मसल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इरिटोनियन कार्टिलेज, तो यह पायरामिडल शेप की होती है और कहाँ पे होती है? अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। अब इसका अपर एंड एड होता है किसे? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से, और टू प्रोसेस होते हैं एंटीरियर और लेटरल, है ना। टू प्रोसेस होते हैं, एंटीरियर साइड में वोकेलिस प्रोसेस और लेटरल में होता है मस्कुलर प्रोसेस। तो दो प्रोसेस कौन सी हो गई? वोकेलिस प्रोसेस और मस्कुलर प्रोसेस। अब वोकेलिस प्रोसेस से वोकेलिस मसल अटैच होती है ना, वोकेलिस मसल अटैच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, तो यह अटैच होती है अपेक्स ऑफ एरिटेनोइड कार्टिलेज से। फिर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, तो यह रोड शेप की होती है और अबव होती है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से, ठीक है। अब देखो ये अपने इसकी कार्टिलेज की बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट की, तो देखो दो जॉइंट बनते हैं इसमें, है ना। एक तो क्रिको थायरॉइड जॉइंट और एक क्रिको एरिटेनोइड जॉइंट, और दोनों साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है। क्रिको थायरॉइड जॉइंट बनता है इंपीरियर हॉर्न ऑफ थायरॉइड और क्रिकोइड के बीच में, और क्रिको एरिटेनोइड जॉइंट क्रिकोइड और एरिटेनोइड के बीच में, नाम से स्पष्ट हो रहा है। और टू वोकल कॉर्ड होता है ना, ये भी तुमको पता होना चाहिए, टू वोकल कॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मसल की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मसल तो है ना दोनों की इंपॉर्टेंट है, लरिंग्स और फेरिंग्स। लरिंग्स की मसल भी पूछते हैं और फेरिंग्स की मसल भी पूछते हैं, ठीक है। तो टोटल मसल होती है 9, जिनको बोलते हैं इंट्रेंसिक मसल, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कि लरिंग्स की इंट्रेंसिक मसल के नाम लिखिए, तो टोटल होती है 9। कौन कौन सी होती है? क्रिको थायरॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोइड एरिटिनोइड, लेटरल क्रिको एरिटिनोइड, और ट्रांसवर एरिटिनोइड, और ओब्लिक एरिटिनोइड, थायरो एपिग्लोटिस, और वोकेलिस मसल हो गई, और एरी एपिग्लोटिस, और थायरो एरिटिनोइड। टोटल 9 मसल होती है इंट्रेंसिक मसल, ओके। तो ये क्वेश्चन अलग से आता है कि लरिंग्स की मसल के नाम लिखिए, है ना। और अपन ने पहले भी पढ़ा, जब थायरॉइड कार्टिलेज पढ़ा था ना, तो थायरॉइड कार्टिलेज की आउटर सरफेस पे ओब्लिक लाइन होती है, है ना। कहाँ से कहाँ तक? सुपीरियर ट्यूबरकल, सुपीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल टू इंपीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल तक, उस पर 6 मसल अटैच होती है ना, वो भी याद करनी है। तो थायरॉइड कार्टिलेज की आउटर सरफेस जिस पर ओब्लिक लाइन होती है उस पर 6 मसल अटैच होती है, और 9 इंट्रेंसिक मसल, ये याद होनी चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं इनकी नर्वस सप्लाई की, तो नर्वस सप्लाई देखना, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है और एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है, लरिंग्स है इसीलिए लेरिंजियल। ब्लड सप्लाई की बात करूँ तो सुपीरियर लेरिंजियल वेसल, ठीक है। फिर अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ जाता है कभी कभी, कि लरिंग्स को एलिवेट करने का काम करती है थायरोहायरोइड मसल, थायरोहायरोइड मसल, और इसको डिप्रेस करने का काम करती है स्टर्नोथायरोइड मसल। तो एलिवेट करने का काम तो थायरोहायरोइड मसल, और डिप्रेस करने का काम करती है स्टर्नोहायरोइड मसल, ओके। और इसके साथ ही लरिंग्स कंप्लीट हो गया।